नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समय ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको एक काम की खबर बताने वाला हूं। जी हां, अगर आप घर बैठे पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं तो सिर्फ यह एक SMS के माध्यम से हो जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं सरकार पैन आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है और सभी को 31 दिसंबर तक इन्हें लिंक कराना होगा, नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लिंक करा लें। इन्हें लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक SMS के जरिए आप इसे लिंक करा सकते हैं। तो कैसे लिंक कराना है मैं आपको बताता हूँ। यह एक SMS है जिसे कि आपको इसे लिंक कराना है। यह बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में UID PIN टाइप करना होगा और इसके बाद स्पेस देकर के आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि UID PAN आपने स्पेस दे दिया, फिर उसके बाद 12 डिजिट का आधार नंबर दे दिया, फिर आपने स्पेस दिया और 10 डिजिट का पैन कार्ड दे दिया। इसे आपको लिख करके 5676 और 78 या 56161 पर भेजना है। इसके बाद आयकर विभाग के दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा। इसे आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप खुद को रजिस्टर कीजिए। अगर आपको रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। आपको वेबसाइट पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाइए। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दिए गए ऑप्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के नीचे दिए ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।